गाइस कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा फिर से आ गया है एक न्यू वीडियो लेके। तो भैया हमारे पीछे देखो गाड़ी लगा रहे हैं भैया, हाय करते हैं। तो अभी जहाँ पे हम जाने वाले हैं भैया ही से पता करते हैं कि भैया कहाँ मुझे लेके जाने वाले हैं। भैया कहाँ लेके जाएंगे? हम लोग चलेंगे लाल कुआं दिल्ली। लाल कुआं दिल्ली। दिल्ली अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो भाई वीडियो बने रही है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भैया की गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लग गई है। भैया कितने का टिकट है? टिकट तो अभी लेंगे ना मेट्रो। ये कितने का है गाड़ी पार्किंग का? ये 15 रुपए है 3 घंटे के। भाई 15 रुपए का है 3 घंटे का। तो वीडियो बने रही है, देख पा रहे होंगे मेट्रो के अंदर जा रहे हैं। काउंटर है, अभी भैया यहाँ पे टिकट लेंगे। ₹40 दो लोगों का? 40 है नहीं, एक जन का, मेरा तो कार्ड है ना। अच्छा एक लोगों का ₹40। कार्ड अपना रिचार्ज कर लेता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये मेट्रो कार्ड है, पेटीएम की चार्जिंग किया था। इसमें ₹40 कटेंगे? इसमें कार्ड टॉपअप हो रहा है ₹200 का। जो तो ₹200 यहाँ पे आ गया, अब इसको वैध कर देंगे तो ओके हो जाएगा, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर दिया। अब ये कार्ड रिचार्ज हो गया, ₹206 बैलेंस आ जाएंगे। अब जहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा वहाँ पे ये कार्ड लगाऊँगा, जो हम ये अलग टोकन डालेंगे तो उतने पैसे इसमें से कट जाएंगे। तो भाई ये अंदर का सीन है मेट्रो का, वैशाली मेट्रो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ से हम लोग दिल्ली जाएंगे और यहाँ से चल रहे हैं दिल्ली। तो गाइस ये मेट्रो के अंदर का हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, इतनी गजब की है भाई ये दिल्ली की मेट्रो। और लखनऊ की मेट्रो तो आपने देख ही लिया है, ये है दिल्ली की मेट्रो और साफ सुथरा है, और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर सब मुझे अच्छी लगी भाई। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मतलब आपको भी बताया था कुछ पानी पीने जा रहे हैं। हाँ फिलहाल तो पानी पीने जा, प्यास लग गई। हाँ प्यास लग गई, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। लंबा सफ़र है? लंबा सफ़र तो नहीं है लेकिन मौसम बदल रहा है, प्यास लगने लगी। अपने व्यूअर्स को आप शेयर करा रहे हैं मेट्रो की, अच्छी बात है। फिर मार्केट में चलेंगे, फिर मार्केट में घुमाते हैं आपको। सर यहाँ मेट्रो के अंदर क्या आपको अच्छा लगा? मेट्रो में सभी चीज़ें अच्छी हैं। हाँ आपका समय की बचत है, पैसे की बचत है, और सबसे बड़ी आपको धक्के नहीं खाने, आराम से आप बैठ के सफ़र कर रहे हैं। कम पैसे में एसी के अंदर बैठे हो ना, आपको धूल मिट्टी खाने में फ़ायदे तो हैं मेट्रो। और कम्युनिकेशन भी फास्ट होता है, हम लोग चलते हैं जगह पर जल्दी पहुँचते हैं। अगर आप रोड से ट्रैवल करते हैं टाइम ज़्यादा लगता है, रश मिलता है, टाइम ट्रैवलिंग जो है वो बहुत कम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाकी आप अपना आपको बताइए, आपको कैसा लग रहा है? मेरा तो अच्छा लग रहा है, व्यूअर को अच्छा लगना चाहिए। व्यूअर्स में जिन्होंने घूमा होगा मेट्रो वो भी प्रेफर ही करेंगे मेट्रो के लिए, इंस्टेड ऑफ की वो बस से या ऑटो से देखेगा। जहाँ ऑटो हम 200 रुपये में पहुँचेंगे वहाँ मेट्रो से 20 रुपये में, 30 रुपये में या 20 रुपये में। और फिर आप सफ़र भी अच्छा करेंगे। ये बाहर का सीन है, और
चुके हैं भाई। अब हम लोग पहुँचे हैं मंडी हाउस, मंडी हाउस से हम लोग जाएंगे लाल किला। सर कहाँ पहुँचे? हम लोग आगे मंडी हाउस। मंडी हाउस अब हम लोग इंटरचेंज करेंगे यहाँ से लाल किला के लिए। लाल किला, लाल किला पहुँचेंगे फिर वहाँ से अपने वहाँ से मार्केट में हमको जाना है। वहाँ भाई मेट्रो मेरी आ चुकी है, अब मेट्रो के अंदर चलते हैं। तो भाई बाहर हम आ चुके हैं। सर कहाँ पहुँचे? हम लोग आ गए लाल किला। लाल किला सामने दिखा दूँ, लाल किला है ये। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये लाल किला है। तो ये हमारे बैक का नज़ारा देख लीजिए, ये मंदिर है। मास्क कर दे, मास्क कर। पैदल ही चलिए, चलिए सारा दिखाओ। गौरी शंकर मंदिर है ये। सर क्या है ये? गौरी शंकर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। गौरी शंकर मंदिर पुराना मंदिर था। और ये है मार्केट कपड़ों की, चांदनी चौक। चांदनी चौक बता, चांदनी चौक है मेन। चांदनी चौक सामने वो देखा दो, सामने शीशगंज गुरुद्वारा ये। हाँ बहुत फेमस है ये गुरुद्वारा। अभी रिसेंटली हमारे पीएम मोदी साहब भी आए थे यहाँ पे माथा टेकने के लिए। अच्छा मोदी भी आए थे? मोदी भी आए थे। अच्छा तो ये लाल किले के ठीक सामने है। बिल्कुल लाल किले के सामने, बिल्कुल चांदनी चौक मार्केट के बीचों बीच में शीशगंज गुरुद्वारा। स्टार्टिंग में पहले गौरी शंकर मंदिर आता है। अच्छा एक मार्केट आप देख ही रहे होंगे, सब चीज़ों की पुरानी फेमस मार्केट है, कपड़ों को से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के। यहाँ रिक्शे बहुत है, तो रिक्शे ही अब अलाउ कर दिए हैं। जब से इन्होंने रास्ते पूरे बंद कर दिए हैं, खाली रिक्शा ही अलाउड है या पैदल अलाउड है। अच्छा आप गाड़ी लेकर के यहाँ पे नहीं आते? खूब जाम लगा करता था, अब आप देख रहे हो कि रिसेंटली अब ये सब इन्होंने पूरा कॉरिडोर टाइप का बना दिया, लोग पैदल चल सकते हैं। एक हेरिटेज जोन सी बना दिया यहाँ। आप देख सकते हैं ये पूरा रेडीमेड मार्केट है लेडीज़ के लिए। स्पेशली चांदनी चौक को बहुत फेमस माना जाता है लहंगे और साड़ी, मतलब फेमस है ये। हाँ साड़ीज़ के लिए और भी दुकानें हैं। ये छावड़ा है, पुराने हैं ये छावड़ा। छावड़ा यहाँ का स्पोर्ट भी होता है। अगर लहंगा लेना चाहते हैं तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। नीचे से लेकर एक एक दो दो लाख तक के लहंगे मिलते हैं यहाँ पर। दो दो लाख रुपए के लहंगे हैं। जैसे आपकी वो फेमस कपड़े की मार्केट है। राइट साइड पे हमारे चर्च है ये सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च। ये चर्च है, द्वारा है शीशगंज। इधर राइट साइड पे दिखा दूंगा।
अच्छा यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे सर क्या है? ये उन्होंने एक अपना मॉन्यूमेंट बनाया हुआ गुरुद्वारे के सामने ही, यहाँ पे शुरुआत हल्दीराम की शुरुआती जो हुई। अच्छा, शुरुआत यहीं से हुई हल्दीराम की? हल्दीराम की यहीं से हुई, सबसे पुराना है हल्दीराम। ये जहाँ पराठे वाली गली है, ये अंदर जा रही है, फेमस पराठे वाली गली, यहाँ पे पुराने छोटी सी गली है, ये अंदर जो जा रही है पराठे वाली गली, इसमें सारे संस्कार आकर के लोग पराठे खाए हुए हैं, जितनी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो सब आकर के यहाँ पे पराठे खाते हैं, डीप फ्राई पराठे होते हैं, पूरा तेल में पका देते हैं, तेल में कई तरीके के पराठे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये बड़ा खूबसूरत लगा ये झंडा, झंडा हमेशा खूबसूरत लगता है अपने देश का। अच्छा, लेडीज़ों के लिए यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है? ये मेनली लेडीज़ के लिए मार्केट है ये, सब साड़ी लहंगे बहुत फेमस, लोग बहुत दूर दूर से परचेजिंग करने आते हैं, काफ़ी दूर दूर से शादियों की जितनी भी परचेजिंग होती है उनके घरों की शादियों की, लोगों को देने लेने के लिए, अपने पहनने के लिए सब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं। एक तरीके से होलसेल बाज़ार और फैशन की शुरुआत होती है कश्मीर में लेडीज़ में, यहाँ से चांदनी चौक से। हल्दीराम देखा था, ये बीकानेर है, यही तो शुरुआत हुई है। मस्जिद फतेहपुरी सामने, मस्जिद फतेहपुरी, आपने पहले मंदिर देखा, गुरुद्वारा देखा, पिक्चर्स देखा, अब मस्जिद देखी। ये भारत के नज़ारे हैं, भारत के नज़ारे हैं। आपने एक ही रोड के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बना दिया। ये सेनाराम पुराने सिंधी अलवाई हैं यहाँ।